नमस्कार विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा दिन कर देंगे। एकेडमिक ईयर 2023-24 का यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन के स्टेटस। मेरा एक स्टूडेंट का नोट वेरीफाइड बाय द कॉलेज है, तो यहाँ और एकेडमिक ईयर यहाँ पे 2023-24 का है स्टेटस। तो जिनका भी अभी नोट वेरीफाइड बाई द कॉलेज स्टेटस शो कर रहा है, उन लोग कॉलेज में जा कर के जल्द से जल्द संपर्क करेंगे, क्योंकि उनका अभी आवेदन कॉलेज से ही अप्रूव नहीं किया गया है। ठीक है, सब जब यहाँ आपका कॉलेज के ही लॉगिन आईडी में भी पड़ा हुआ है आपका आवेदन, इसलिए जब तक आपका कॉलेज से मतलब कि वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा और यहाँ जब वेरीफाई करके आपका अप्रूव कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर नोट वेरीफाइड बाई द कॉलेज जो लिख रहा है यहाँ पर अप्रूवेड बाई कॉलेज स्टेटस में शो करने लगेगा। ठीक है, तो आपका समझिए कॉलेज से अप्रूव हो चुका है और DNO ऑफिसर के लॉगिन आईडी में चला गया है। इसके बाद DNO के बाद DLC, इसके बाद डबल ए ऑफिसर से फाइनल अप्रूव होता है, इसके बाद पैसा मिलता है। तो जिन लोगों को नोट वेरीफाइड बाई द कॉलेज बता रहा है, उन लोग जल्द से जल्द अपना कॉलेज से संपर्क करेंगे, क्योंकि कॉलेज के लॉगिन आईडी में है, और अपना आवेदन को कॉलेज से जाकर के अप्रूव करवाएंगे, नहीं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हालांकि अभी कॉलेज से आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा, अभी कॉलेज वाले को कॉलेज नहीं किया गया है। एकेडमिक ईयर 2023-24 का और 2024-25 का दोनों का कॉलेज आवेदन को अप्रूव कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ई कल्याण स्कॉलरशिप रिलेटिव और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन।